दोस्तों इन दिनों बेहद कम समय में जिस सीरियल ने दर्शकों के बीच बेहद मजबूत पकड़ बनाई है वो सीरियल है बावरा दिल, जिसमें हमें सिद्धि के ऑपोजिट शिवा की मुख्य भूमिका में अभिनेता आदित्य रेड्डी दिखाई दे रहे हैं, जिनके अलग तेवर और धाकड़ सी आवाज वाले इस शिवा के किरदार को देश भर के लोग अपना बेहद प्यार दे रहे हैं, जिसके चलते आदित्य इन कम समय में ही दर्शकों के फेवरेट एक्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सीरियल में शिवा के किरदार के लिए आदित्य पहली पसंद नहीं थे, बल्कि इनसे पहले इस किरदार के लिए टीवी के कई दूसरे अभिनेताओं को अप्रोच किया गया था, पर किसी न किसी वजह से उन अभिनेताओं ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। तो इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन्हीं चुनिंदा अभिनेताओं से रूबरू कराने वाले हैं जो कर चुके हैं बावरा दिल सीरियल में शिवा के किरदार को रिजेक्ट। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कौन से हैं वो अभिनेता। एक जैन इमाम, जी हाँ, टशने इश्क सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता जैन इमाम को बावरा दिल सीरियल में आदित्य रेड्डी से पहले शिवा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन जिस वक्त शो मेकर्स ने इन्हें इस किरदार के लिए अप्रोच किया था उस वक्त ये पहले ही वेब सीरीज क्रैश में डॉक्टर ऋषभ के किरदार को साइन कर चुके थे, जिसकी वजह से ये अपने साइन किए हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसीलिए इन्हें मजबूरन शिवा का किरदार रिजेक्ट करना पड़ा था, जिसके चलते हमें इस किरदार में अभिनेता आदित्य रेड्डी दिखाई दे रहे हैं। और तो रोहित पुरोहित, चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और रजिया सुल्तान जैसे कई टीवी शोज से खूब पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले रोहित पुरोहित की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए शो मेकर्स ने इन्हें भी सीरियल में शिवा का किरदार ऑफर किया था, लेकिन जब रोहित पुरोहित को सीरियल की कहानी और सीरियल में शिवा के किरदार के बारे में बताया गया तब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहकर शिवा का किरदार रिजेक्ट कर दिया कि ना तो सीरियल की कहानी इंटरेस्टिंग है और ना ही सीरियल में शिवा का किरदार, जिनके इसी रिजेक्शन के बाद शो मेकर्स को इस किरदार के लिए दूसरे टीवी एक्टर्स को अप्रोच करना पड़ा। तीन, वत्सल सेठ, क्यों चौंक गए ना आप भी, लेकिन ये सच है कि छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन का कमाल दिखा चुके वत्सल सेठ शिवा का किरदार रिजेक्ट कर चुके हैं। बता दें कि जब इन्हें ये किरदार ऑफर किया गया था तब ये भी जैन इमाम की तरह पहले ही द गर्ल ऑन द ट्रेन फिल्म को साइन कर चुके थे, जहाँ इन्हें राजीव के किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया है। हालांकि ये शिवा का किरदार निभाना तो चाहते थे लेकिन फिल्म को पहले ही साइन करने की वजह से इन्हें मजबूरन शिवा का किरदार ठुकराना पड़ा। चार, करणवीर शर्मा, जी हाँ, इस लिस्ट में एक नाम आप सभी के चहेते अभिनेता करणवीर शर्मा का भी शुमार होता है। दरअसल शिवा का किरदार रिजेक्ट करने के पीछे इनकी एक नहीं बल्कि दो वजहें हैं, जिनमें से पहली वजह तो ये है कि पहले ही सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी को ये साइन कर चुके थे, तो वहीं दूसरा कारण ये है कि इन्हें बावरा दिल सीरियल में शिवा का किरदार निभाने के लिए जो फीस दी जा रही थी वो इन्हें काफी कम लग रही थी, जिसके लिए इन्होंने शो मेकर्स से बात भी की थी, लेकिन शो मेकर्स फीस बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इसीलिए इन्होंने इस किरदार को ठुकराना ही सही समझा। नंबर पाँच, विवियन डिसेना, इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है अभिनेता विवियन डिसेना का, जिनकी पॉपुलैरिटी और शानदार अभिनय प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें शिवा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि उस वक्त ना तो ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे और ना ही इन्होंने शिवा के किरदार के लिए हाई फीस डिमांड की थी, बल्कि ये तो इस किरदार को करना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने अपना स्क्रीन टेस्ट भी दिया था, पर दुर्भाग्य से ये अपने स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से मजबूरन शो मेकर्स को इस किरदार से विवियन डिसेना को रिजेक्ट करना पड़ा था। तो ये तो थे टीवी के वो सितारे जो कर चुके हैं शिवा का किरदार निभाने से इनकार। वेल, अगर आपको मौका मिलता इनमें से किसी एक अभिनेता को शिवा के किरदार में देखने का तो आप शिवा के किरदार में इनमें से किस अभिनेता को देखना पसंद करते, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।